समाज का आईना होती है। बॉलीवुड ने हमारे समाज, संस्कृति, कला के साथ कई गंभीर विषयों पर फिल्में बनाई हैं। इसी कड़ी में निर्देशक विनय शर्मा जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी फिल्म लेकर आ रहे हैं, जिसमें कॉलेज स्टूडेंट्स का वो चेहरा दिखाया जाएगा जो रोमांस से दूर राजनीति के बारे में क्या सोचता है और क्या करना चाहता है, इस पर फिल्म होगी। फिल्म का नाम JNU जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी है। फिल्म का ट्रेलर जारी हो गया है, जिसे सोशल मीडिया पर खूब पसंद भी किया जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसका विरोध भी हो रहा है। ये लेफ्ट यूनिट वालों ने पूरे कैंपस को जात पात में बांट दिया है। ट्रेलर में इस तरह के डायलॉग्स इसे और भी प्रभारी बनाते हैं। अब हम लोग बोलेंगे भी और लड़ेंगे भी, इस तरह के डायलॉग से भरे ट्रेलर ने फिल्म की एक झलक दिखा दी है। यूनिवर्सिटी कैंपस की राजनीति कहाँ से जुड़ी है, ये इस एक लाइन से पता चलता है, यहाँ से सीधे संसद में। गोधरा के लोग PM बनने का सपना देख रहे हैं और अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। इस तरह के विवादित डायलॉग फिल्म के ट्रेलर को और दिलचस्प बना रहे हैं। क्या एक यूनिवर्सिटी पूरे देश को हिला सकती है? ट्रेलर का सार यही है। ये पहली बार नहीं है, फिल्म जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी के पोस्टर्स ने भी मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी हैं और अब ट्रेलर भी ध्यान खींच रहा है। JNU के ट्रेलर में फिल्म की कहानी की एक झलक पेश की गई है, जिसमें विरोध प्रदर्शन के दृश्य, आपराधिक साजिश के आरोप, राजद्रोह के आरोप और आतंकवाद समर्थक भावनाओं का चित्रण दिखाया गया है। ये एक ऐसे विचार को दिखाता है जो निरंतर संघर्ष में लगे रहते हैं और वैचारिक झगड़े और राजनीतिक पैंतरेबाजी को बढ़ावा देते हैं। फिल्म के कलाकारों में उर्वशी रौतेला, सिद्धार्थ बोड़के, रवि किशन, पीयूष मिश्रा, विजय राय, रश्मि देसाई, सोनाली सहगल और कई अन्य नाम शामिल हैं। दर्शक भी फिल्म के रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये फिल्म आने वाले 21 जून को सिनेमाघरों में आने वाली है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में ये फिल्म लोगों को कैसी लगती है और दर्शकों की इस फिल्म पर क्या प्रतिक्रिया होती है।